hello guys my name is sangeeta mehta and you watching my channel my english magazine today i explain to you some uh, gk questions uh, which is related with the conditions under colonial period with special reference social practices bet beggar and reed. विच इज़ रिलेटेड विद एच पी सो सबसे पहले बेट निमिन जातियों से ज़बरदस्ती बनिया मज़दूरी दरे उच्च जाति द्वारा सेवा प्राप्त करने का बेट कहलाता है जहाँ बेट एक पुरस्कार से जजमानी प्रथा की तरह शामिल स्टेट में व्याप्त था उच्च जातियाँ कनेत ब्राह्मण ठाकुर और निम्न जातियों में सेवकों की भांति कार्य करवाते थे जिसमें सभी पुरस्कार निम्न कार्य शामिल थे कोली जायदाद बेट प्रदान करने वाली जाति थी ये लोग भूमालिकों की भूमि जिसे बासा कहते थे वहाँ बनिया मज़दूरी के सेवा प्रधान करते थे बेटों की अदला बदली की प्रथा भी प्रचलित थी यदि भूमि को दहेज के रूप में लड़की को दे दिया जाता था तो बेठे भूमि प्राप्त होने वाले को मली जाते थे इन बेठों को भूमि का माल कियाना हक तथा निम्न जातियों के लोग गांव के भाईचारे के लिए निम्न कार्यों को भी करते थे कोली बेठ अठारह में शामिल जातियों गेजेंट के अनुसार राजाल का 50 प्रतिशत भाग थे कोटखाई में 96 परसेंट भूमि ज़मींदारों के पास थी जो निम्न जातियों से बेट लेते थे और बुशर में भी बेट मजदूरी प्रचलित थी बल प्रथा ब्रिटिश काल में आकर्षित वनों में भी प्रचलित थी बेट सेवा के बदले छांक दो जोड़ी कपड़ा यानी छांक मतलब भोजन दो जोड़ी कपड़ा फसल का दसवां हिस्सा दिया जाता था बाद में 1940 में 12 से 18 रुपए दिया जाने लगा और ब्रिटिश छावनी कुश्तेरों में बहुत से बेठों की सेवा के बदले नकद भुगतान किया जाने लगा जिसमें कुली हस्त चालक जैसे कार्य शामिल थे 1939 में नाइन में ने ब्रिटिशों ने स्थानीय राजाओं को कहा कि बेटों की भूमि का मलिकाना हक दिया जाए पर वे कारण कर रहे वे कार्य कर रहे थे जो या फिर भूमि का मुआवजा लेकर उन्हें भूमि देने की व्यवस्था की जाए बेट या बेगार को 24 अगस्त 1943 में शामिल हाल ही स्टेट ने एक नीत बनाकर समाप्त किया राज्य के बेटों को पालक उठाने के अलावा सभी पुरस्कार की दसवा परी मु... मुक्ता दे दी गई जमींदारों द्वारा रखे गए बेटों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया जो तीन पुरुष पुश्तों से जमीन पर खेती कर रहे थे तथा बाकी बचे बेटों को मुआवजा देकर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया बेट प्रथा पूर्ण रूप से अब तक की भी समाप्त नहीं हो पाई है इसमें अब नकद मजदूरी का रूप ले लिया है थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच